नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। आप देख रहे हैं धर्म। श्रीराम की नगरी अयोध्या, वो पावन नगर जिसके पांव पखारने के लिए सरयू भी व्याकुल रहती है, और इस व्याकुल सरयू के रामपैड़ी घाट पर सजता है श्रद्धा और भक्ति का वो संसार जो भगवान श्री राम के आराध्य भगवान भोले शंकर का है। जी हाँ, रामपैड़ी घाट पर बना भगवान नागेश्वर नाथ का धाम, जिसकी स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने की। गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। अयोध्या, भगवान श्री राम की अयोध्या, वो पावन नगर जिसके पांव पखारने के लिए सरयू भी व्याकुल रहती है, और इस व्याकुल सरयू के रामपैड़ी घाट पर जब आस्था का ये सैलाब स्नान करता है तो असंख्य पौराणिक गाथाओं को संजोए राम की ये अयोध्या एकाएक शिवमयी हो जाती है। और हो भी क्यों ना, जब श्री राम के आराध्य भगवान भोलेनाथ अपने नागेश्वर रूप में स्वयं ही यहाँ विराजमान हों। अयोध्या के स्वर्ग द्वार में राम की पैड़ी के पास ही बना है नागेश्वर नाथ का ये प्राचीन और भव्य मंदिर। पौराणिक मान्यता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है कि एक बार कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनका बाजूबंद खो गया। बाजूबंद नाग कन्या कुमुदिनी को मिला, जिसे लेकर वो नाग लोक चली गई। जब कुश को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर पूरे नाग वंश को ही समाप्त करने की ठान ली। इसे भयभीत होकर नाग देवता ने भगवान भोले शंकर की शरण ली। नाग देवता की करुण आराधना से द्रवित होकर महादेव अयोध्या के इसी सरयू तट पर प्रकट हुए। धर्म ग्रंथों के मुताबिक नाग कन्या कुमुदिनी से विवाह के बाद स्वयं कुश ने नागेश्वर नाथ के इस प्राचीन मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां प्रतिष्ठित है महादेव के 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान ने कुश ने नागों के ऊपर में हमला कर दिया, और हमला करते हुए जाकर के उनके ऊपर काफी दिग्गज करीब 2500 वर्ष तक युद्ध हुआ है नागों का और कुश महाराज का। तब नागो व्याकुल हो गए, कुश से लड़ते लड़ते परेशान हुए, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और शंकर भगवान उनके युद्ध मैदान में युद्ध स्थल पर कुश के सामने प्रकट हो गए। ये पूरा शिवलिंग एक विशाल शिलाखंड का हिस्सा है, जिस पर मंदिर का आधार भी टिका है। यही नागों से लिपटे भगवान का अर्घा है, और इसके बाद है ये दिव्य शिवलिंग। राजा विक्रमादित्य ने जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तब भी इस शिलाखंड का कोई और छोर नहीं मिला था। शिव भक्त मानते हैं कि नागेश्वर नाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करके उस पर बेलपत्र चढ़ाने से मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त यहां आता है उसकी झोली बिना मांगे ही भर जाती है। दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाया, और यहां पे सब बहुत इनको मानते हैं, शंकर भगवान को। सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते होंगे जहाँ तक है कि, और शायद मेरी भी मनोकामना पूर्ण कर दे जो मैंने माना है। ये सब लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वृद्ध हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो लोग आकर के नवयुवक हैं, वो भगवान की भक्ति पूजा करते हैं कि उनको संतान नहीं हो रहा है, वो लोग भगवान शंकर का अभिषेक दूध से करते हैं हमेशा, और वो अधिकतर फलित भी होता रहता है। नहीं, अभिषेक करना एक प्रधान पूजा है भगवान शिव की। महाशिवरात्रि पर कालाधिपति महादेव के इस धाम की छटा ही निराली होती है। विश्वास ये है कि इस दिन जिसने भी नागेश्वर नाथ की श्रृंगार आरती में भाग ले लिया, उसने मानो साक्षात भगवान शंकर के दर्शन कर लिए।
शिव के इस पावन पर्व पर मंदिर के पुजारी भी अपना सुदबुद्ध होकर अपने आराध्य की महिमा में इस कदर लीन हो जाते हैं कि उनका ध्यान लाखों श्रद्धालुओं के कोलाहल से भी नहीं टूटता। बनबीर सिंह, अयोध्या, आज तक। महाशिवरात्रि और भगवान शिव के प्रिय दिनों में तो यहाँ पर भोले की भक्ति का नजारा देखते ही बनता है। कहते हैं जिसने भी यहाँ पर आकर नागेश्वर नाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र धतूरा चढ़ा दिया, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, सुनिए। सूर्य के प्रकाश से स्वर्णिम होती सरयू की ये लहरें भीतर तक भिगो जाती हैं। आस्था से भरे मन को संसार के मोहजाल से मुक्त कर देती है पवित्र जल में लगाई गई एक डुबकी। मन में जगी आराधना की ज्योत से प्रकाशित होता सरयू का ये सारा वातावरण भोले की भक्ति का उल्लास अपने आप ही बयां कर देता है और मुखर होता है वो विश्वास कि भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक से मिट जाते हैं सारे कष्ट और दूर हो जाती हैं समस्त बाधाएं। ओम गणपतये नमो नमः। मंदिर में सबसे पहले भक्तजन भगवान गणेश और माँ पार्वती की पूजा करते हैं, विनायक नमो नमः, और फिर पहुँचते हैं कालाधिपति भगवान भोलेनाथ के दरबार में, जिसके कपाट प्रातः आरती के साथ ही खुल जाते हैं। नागेश्वर शिवलिंग पर भक्तजन भोले के प्रिय भांग, धतूरा, बेलपत्र और गन्ना चढ़ाने के बाद करते हैं कालचक्र के नियमों के अनुसार भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक। उल्टे लोटे पर ज्योति जलाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना का ये अनोखा तरीका यहाँ के पूजा विधान का अनोखा हिस्सा है। यहाँ पर नागेश्वरनाथ मंदिर में सुबह की आरती होती है, दो आरतियाँ होती हैं। एक तो जागरण आरती, भगवान जैसे हैं रात्रि को स्नान कराए जाते हैं, और जागरण आरती होती है। जागरण होने के बाद भगवान को स्नान करा करके फिर आधे घंटे के बाद पुनः आरती होती है, दो आरतियाँ उस समय फिर होती हैं। कपूर से अलग होती है और सात बत्ती, ये जो आप देखे हैं दिन में भी, ये ऐसी आरती, ये दोनों आरती सुबह होती है, भोग के समय में एक आरती होती है, और सायंकाल चार आरतियाँ होती हैं श्रृंगार में, जिसमें सारी पब्लिक उपस्थित रहती है। और उन आरतियों के बाद प्रसाद लेकर लोग चले जाते हैं, तो उनको उस फिर जो है एक आरती शयन आरती होती है, भगवान का शयन करा देने के ऊपर, मैंने शयन स्वरूप का आरती होता है, इस तरह से आरतियाँ होती है। अयोध्या के नागेश्वर मंदिर में पूजा का विशेष दिन होता है सोमवार। उस दिन दूर दूर से भक्त अपने आराध्य के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। नागेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए सावन के महीने का खास महत्व होता है, और महाशिवरात्रि के मौके पर तो जैसे यहां भक्तों का मेला ही लग जाता है। महाशिवरात्रि का एक पूजन होता है, यानी वो महाशिवरात्रि का पर्व होता है। इस दिन जो है भगवान शंकर का विवाह हुआ था, इस नाते होता है। एक बहेलिए का उद्धार हुआ था शिवरात्रि को, इस नाते होता है। जो फागुन के अंधेर पक्ष का 13 चतुर्थ पड़ता है वो शिवरात्रि होती है। और सबसे महात्म्य, इसका विशेष महत्व जो होता है, सावन के महीने में कभी भी करिए, हो सके तो सोमवार को लोग पकड़ लेते हैं, और अगर सोमवार के दिन प्रदोष हो जाए तो और विशेष महत्व हो जाता है। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, सुनिए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में मंदिर में शिव पार्वती का विवाह रचाया जाता है। मान्यता है कि शिव पूजा के इन पावन अवसरों पर जिसने भी सच्चे मन से इस मंदिर में हाजिरी लगा दी, उसका हर संकट दूर हो जाता है, साथ ही बिन मांगे पूरी हो जाती है हर मनोकामना। और हाँ, जाते जाते भक्त महादेव के प्रिय नाग देवता को दूध पिलाना और अयोध्या की अमृत सलीला सरयू की पूजा करना नहीं भूलते। बलबीर सिंह, अयोध्या, आज तक। देवों के देव हैं महादेव, भक्तों के हर दुख हरने वाले हैं भोले। कोई भी ऐसा दुख नहीं जो भोले से ना छुपा हो,
वो चाहे योग्य वर ना मिल पाने का ही दुख क्यों ना हो। लखनऊ के मन कामेश्वर महादेव हर कन्याओं की मुराद पूरी करते हैं जो मन में श्रद्धा लिए महादेव के दरबार में गुहार लगाने आती हैं। हे शिव शंकर, हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर, हे करुणा कर, सुनिए हर मनोकामना पूरी करने वाले हमारी। अशांत मन को शांत करने वाले, विवाह वंश वृद्धि का वरदान देने वाले, सागर से पार उतारो, गोमती किनारे वाले मन कामेश्वर महादेव, त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। हर मनोकामना को पूरी करने वाले मन कामेश्वर महादेव, जिनकी शक्ति के सामने नतमस्तक होता है पूरा संसार, जिन्हें देवता भी पुकारते हैं देवों के देव महादेव के नाम से, जिनके शरण में आते ही मन एक असीम शांति से भर उठता है। त्रेता युग के लक्ष्मणपुर और आज के लखनऊ में विराजित है वो प्राचीन धाम जो मन कामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लखनऊ के डालीगंज इलाके में गोमती नदी के किनारे स्थापित है महादेव का ये प्राचीन और भव्य मंदिर, जो सुनाता है कहानी लक्ष्मण की व्यथा की, उनके अशांत मन की। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना लक्ष्मण ने की थी। माता सीता को वनवास छोड़ने के बाद लक्ष्मण का मन बहुत अशांत हो गया था। अयोध्या वापस लौटते समय लक्ष्मण ने इसी स्थान पर रुककर भगवान शिव की आराधना की थी। कालांतर में इसी स्थान पर मन कामेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा हिरण्यधनु ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से कराया था। कि लक्ष्मण जी जब सीता जी को वनवास छोड़ के वापस अयोध्या के लिए जा रहे थे तो उनका मन बहुत खिन्न और अशांत था कि मैंने बहुत गलत कार्य कर दिया है, माँ स्वरूप माता को मैंने जंगल में छोड़ा है, जिससे उनका मन बहुत खिन्न और अशांत था। तो वो उस परेशानी के कारण वो इस जगह जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे शिवलिंग है, वो यहाँ पे रुके और इन्होंने रात्रि विश्राम यहाँ पे किया और भोर में इनकी पूजन अर्चना करके वो सुबह अयोध्या के लिए प्रस्थान किया, जिससे उनको पूजा करने के बाद थोड़ी शांति मिली। रत्नैः कल्पितमानसं हिमजलैः स्नानम् च। धर्म में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए आज तक। बादम 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 बादम